खबर में अभी अभी एक घटना घटी है संजय कॉलोनी में, जो कि हमारे प्रशासन पुलिस की तरफ से इस गरीब व्यक्ति के साथ जो भी घटना घटी है ये अपने आप खुद व्यक्त करेंगे। क्या नाम है आपका? वशिष्ठ। वशिष्ठ, पूरी बात बताइए, कैसे आपके साथ क्या किस तरह का? अभी कोल्ड ड्रिंक के नाम से कोल्ड ड्रिंक और अंडे की रेडी लगाता हूँ। 22 फुट संजय कॉलोनी सेक्टर 23 तिवारी क्लिनिक के पास 24 नंबर गली जी। और आज 1.5 महीना से हमको हटका रहे हैं, पैसा हमको ले जा रहे हैं। कितने पैसे मांग रहे थे आपसे? 1000 रुपया। 1000 महीना मांग रहे थे या दिन का मांग रहे थे? 1000 रुपया महीना। महीना, अच्छा। क्या नाम है पुलिस वाले का, नाम पता है आपको? सोहन पाल। सोहन पाल, आज तो सारा पैसा मेरा छीन के लेके चले गए। ठीक है, आपने कभी इसकी कम्प्लेन कराई किसी प्रशासन में? बताइए आपने थाने में जाकर कि इस तरह की? मेरे साथ नहीं बताया हूँ, लेकिन मैं प्रधान से इस बात को कह दिया हूँ। क्या नाम है प्रधान के? संजीव प्रधान जी से मैं इस बात को कहा हूँ, और डॉक्टर तिवारी जी भी बोले हैं, तो बोले गए ठीक है उसको भेज देना, अब मैं हमसे बात कर लेगा तब मैं उसको बता दूंगा। तो आज 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 जो पुलिस ने इस तरह की जो बर्बरता आपके साथ की और बदतमीजी की, तो ये कितने बजे की बजे आपके साथ ये घटना घटी? लगभग 7:30 बजे की बात है। 7:30 बजे की बात, शाम की बात है जी। तो आपके साथ ये जो चोट लगी है नाक पे, और कहाँ चोट लगी है आपके शरीर में? आँख पे, मुंह पे, दांत पे। दांत पे, और कैसे, किस तरीके से मारा? डंडे से मारा गया या हाथ से मारा गया? डंडे से और हाथ से। डंडे से, हाथ से, हाथ से मारा गया। आपने 100 नंबर पे कॉल किया? जी 100 नंबर पे कॉल किया। क्या जवाब है 100 नंबर से आपको? 100 नंबर से भी उन्होंने उसके वहां से पुलिस आई है, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने बताया कि हमें कौनसी में लिखवा रहे हैं थाने में जी। अभी पुलिस वालों को भेज। क्या नाम है आपका? आप मेरे क्या लगते हैं? मेरा नाम हिमांशु है। अच्छा, मैं इनके बेटे का दोस्त हूँ। अच्छा, आप इनके बेटे के दोस्त हैं, ठीक है। ये चाचा, आप क्या चाहते हैं इस केस में? इसको केस चाहते हैं, केस करना चाहते हैं जी। आप अभी इसी वक्त ओबीसी मोर्चा और 5 राज्य के आईटी सेल के बीजेपी वरिष्ठ नेता संतोष यादव जी भी यहाँ बीके हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और यहाँ गरीबों के साथ कई तरह की वारदात हो चुकी है, जिसमें पुलिस की तरफ से भी कई तरह के, इससे पहले भी महिला के साथ भी बर्बरता हुई और आज इस गरीब के साथ भी हुई। संतोष जी, आप कुछ कहेंगे इसके ऊपर? सर, मुझे पंचदेव फास्ट फूड वाला लगाता है, जैसे ही पैसा वो लेते हैं। अच्छा, ऐसा अभी मुझे खबर मिली कि संजय कॉलोनी में गरीब परिवार से है, परदेशी आदमी है, पिछले कई सालों से वहाँ रेडी लगा रही है, लेकिन ये परदेशी आदमी है, इनकी भाषाओं से ये पुलिस वाले समझ जाते हैं ये बाहर का व्यक्ति। अगला रेडी लगा रहा था, इन्होंने बताया कि भाई पिछले 1 महीने से मेरे से मंथली लेके जाते हैं। जब तक ये बेचारा गरीब आदमी पुलिस वाले को मंथली देता रहा तब तक तो सही रहा, आज तक इसने मंत्री देने से मना करके तब से मारपीट की है। तो जैसा इन्होंने बताया इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कल पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे हम लोग। अभी इसका मेडिकल हो गया है, और मुझे इतना मालूम है कि उस पुलिस अधिकारी ने जाके अपना पहले मेडिकल कराया होगा, जाके इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया होगा। लेकिन गरीब जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लड़ाई पूरी लड़ेंगे। जिस पुलिस वाले ने इनके साथ जिसने इसके साथ बुरी तरह मारपीट करी है उसको सस्पेंड करवाएंगे और इनको अपना न्याय दिलाएंगे। पूरे फरीदाबाद नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर कहीं भी गुंडागर्दी होगी, भाजपा सरकार के अंदर हमारे मोदी और मनोहर लाल खट्टर जी का एक ही अभियान है कि क्षेत्र में कोई गुंडागर्दी करता है वो शासन का, और प्रशासन का चाहे कोई बदमाश है उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनके साथ जो हादसा हुआ हमारे सरकार के अंदर, कोई भी गरीब हो, दुखी हो, पीड़ित हो, उसके साथ पूरा न्याय होगा। और जिस पुलिस अधिकारी ने मंत्री मांगा है इनसे, जिस पुलिस अधिकारी ने इनके साथ मारपीट करी है उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे, पुलिस आयुक्त जी से बात करके उसको मुकदमा दर्ज कराएंगे और इनको हिसाब दिलाएंगे। सोहन पाल नाम है, अभी शादी वर्दी में साथ घटना घटी। कांस्टेबल सोहन पाल, कांस्टेबल सोहन पाल ने इस तरह के साथ इनके साथ जो बर्बरता की है, जिनको भारी गंभीरता से चोट लगी है, नाक पे हम लोग सबके सामने दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा चोट मेरे को लगता है कि नाक पे लगी है, और आंख में भी इनको देखिए साइड में बिल्कुल बहुत ही बर्बरता तरीके से मारा गया है। कम से कम 6 महीने लगेंगे आपको ठीक होने में। तो हम फरीदाबाद से मदद कराएंगे इसके ऊपर। फरीदाबाद तत्काल खबर से हम ये प्रशासन को बताना चाहते हैं कि अगर इस तरह से अगर जनता के साथ साथ दुर्व्यवहार करेंगे पुलिस पर प्रशासन, तो जनता पुलिस पर कैसे भरोसा विश्वास करेगी। अभी संजीव जी भी इनके साथ हैं, जबकि उनके आसपास साथियों जो पुलिस वाले सोहन पाल ने जो बर्बरता की है उस अन्याय को हम लोग सहेंगे नहीं। हम लोग परदेशी आदमी हैं, लेकिन हम लोग अपना न्याय चाहते हैं। आज जो वशिष्ठ जी के साथ हुआ है, कल और भी किसी परदेशी के साथ होगा, तो हम चाहते हैं कल कमिश्नर से मिलके और सारी सामाजिक संगठन मिलके कल हम इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे और रास्ते जाम भी कर देंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम सभी वो काम करेंगे जो भले ही न्याय के खिलाफ हो, लेकिन इनको न्याय दिला के रहेंगे। पुलिस के अंदर सोहन पाल व्यक्ति है जिन्होंने इसके साथ अभी भी घटना घटी है शाम के 7:30 बजे,
और गोची में कुछ ही दिन पहले एक एनबीटी ने पुलिस दोस्त का एक महकमा का लगाया था, लेकिन उससे हमें लगता है कि अगर इस तरह से पुलिस आम जनता के साथ व्यवहार करेगी तो पुलिस और जनता की दोस्ती वाला जो स्कीम है चल ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। इसीलिए पुलिस प्रशासन को हर जनता के साथ नरमी के साथ पेश आना चाहिए। अगर कोई गरीब अगर एड़ी लगाता है, अगर आप अपना भरण पोषण परिवार करता है, उसमें पुलिस को बहुत सोच समझ के किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए। अगर कहीं दिक्कत है तो वो ये जिम्मेवारी एमसीएफ की है। अगर एमसीएफ चाहे तो रेडी लगवाए या न लगवाए, ये ड्यूटी पुलिस की नहीं है कि वो पुलिस की एमसीएफ की ड्यूटी पुलिस करने लग जाए। फैजाबाद तत्काल खबर में आप सबका स्वागत है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, भेजेंगे।